भोलेनाथ, जो आपकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द न आने देना। दोस्तों, बेल पेड़ का ऐसा क्या करें महाशिवरात्रि के दिन जिससे आपकी किस्मत ही बदल जाए, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों महाशिवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व होता है जिसमें मृत्यु लोक में भगवान शंकर जी की पूजा करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। भगवान शंकर एकमात्र देवता है जो थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाता। बेल के पेड़ क्या है? स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि बेल के पेड़ एक ऐसा वृक्ष है जो व्यक्ति को अनेक प्रकार के और भी लाभ के साथ साथ कई प्रकार के तांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन बेल के पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों जागृत अवस्था में होते हैं, यह भी जानना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शंकर ये दोनों इस वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए बेल की पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं। भगवान शंकर को बेल के पत्ते क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि दोस्तों भगवान शंकर ने जब विष पान किए तो विष के प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने बेल के पत्ते भगवान शंकर जी को खिलाए। बेल के पत्ते को विष हरने वाला कहे जाते हैं। बेल के वृक्ष को माता लक्ष्मी की स्वरूप कहे जाते हैं। एक श्राप के कारण माता लक्ष्मी को बेल वृक्ष बनना पड़ा था। स्कंद पुराण की कथा भी कहती है कि जो बेल की वृक्ष है यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो इस वीडियो को आपको एक बार ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। आज की वीडियो में बताया गया जानकारी आपकी किस्मत को, आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगी। एक नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप जितने भी हमारे दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, दर्शक नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज की इस वीडियो में बताए गए जानकारी चाहे आप करें या ना करें, लेकिन नॉलेज रखें, यह जानकारी आपकी किस्मत को, आपके घर परिवार के लोगों की किस्मत को, या जीवन में कुछ भी परेशानी हो उसे तत्काल दूर करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको हर प्रकार की भौतिक सुख भी प्रदान करेगी। देखिए, बेल की जो वृक्ष है देवी माता पार्वती की जागृत स्वरूप है। क्या है देवी माता पार्वती की जागृत स्वरूप है? और वृक्षों में बेल के वृक्ष को ब्राह्मणी कहा जाता है। ब्राह्मणी मतलब ये माता ब्रह्मचारी का भी स्वरूप कह जाते हैं। और बेल के पौधा सर्व गुण संपन्न होते हैं और सर्व प्रकार के विनाशी भी होते हैं। सर्व गुण संपन्न होने के साथ साथ यह सर्व प्रकार की विनाशी भी होते हैं। सर्व गुण संपन्न कैसे बता दूं? सुनिए, जो बेल के पेड़ है आयुर्वेदिक फायदे पहुंचाते हैं, तंत्र फायदे पहुंचाते हैं, वनस्पति लाभ भी पहुंचाते हैं, इसलिए इसे सर्वगुण संपन्न कहते हैं। और यह सर्व विनाशी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह काम क्रोध दूर करने का काम करते हैं और इसी के साथ यह हमें सभी प्रकार की भौतिक सुख भी प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण में यह कहा जाता है कि बेल की जड़ पर समस्त तीर्थ बसते हैं। जो व्यक्ति तीर्थ नहीं जा पाते हैं तो बेल की जड़ पर अगर जल डाले किसी भी दिन, बेल की जड़ पर किसी भी सोमवार के दिन अगर जल डाले तो तीर्थों की समान पुण्य फाल मिलते हैं। और अगर महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा नहीं करेगा और वह चाहता है कि संपूर्ण तीर्थ की यात्रा का पुण्य उन्हें प्राप्त हो जाए, क्योंकि पुण्य बढ़ता है तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होता है, उसे धन दौलत प्राप्त होते हैं, तो बेल की जड़ पर अगर इस दिन जल डालें प्रातःकाल के समय में, प्रातःकाल अर्थात सुबह के समय में और सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद 2 घंटा 25 मिनट के आसपास जो अवधि होते हैं दोस्तों, इसे पवित्र काल कहा जाता है। और कई जगहों पर हम जो भी जानकारी बता रहे हैं ध्यान से सुनिए, महाशिवरात्रि के दिन अगर इस समय में अगर बेल के वृक्ष की जड़ पर दूध डालें तो समस्त तीर्थ के साथ साथ समस्त भूलोक में जितने भी दिव्य इंसान सभी की प्राप्ति हो जाता है। तो बेल की जड़ पर तीर्थ बसते हैं, तने में भगवान विष्णु बसते हैं और इसकी ऊपरी हिस्से पर भगवान शंकर जी वास करते हैं। जितने भी पत्ते हैं उनमें देवी पार्वती की शक्ति बसते हैं और माता पार्वती की शक्ति भगवान भोलेनाथ को कंट्रोल करके रखती है, क्योंकि शिव अर्थात परमात्मा शक्ति अर्थात चैतन्य है। अगर परमात्मा में प्राण ही ना हो तो मुर्दे तुल्य होते हैं। तो इसी प्रकार बिना शक्ति की शिव जैसे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, भगवान शंकर जी को चैतन्य करने के काम मां आदिशक्ति करते हैं। मां आदिशक्ति कौन है?
तो समझ जाइए बेल के वृक्ष हैं महाशिवरात्रि के अर्थ। क्या होता है महा के अर्थ होता है महान, शिव का अर्थ होता है भोलेनाथ और रात्रि का अर्थ होता है निशा। समय का अर्थ है महान, भोलेनाथ जी की रात्रि। वैसे तो अनेक रात्रि आते हैं लेकिन शिवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो आइए मैं कुछ उपाय बता दूं जिसे महाशिवरात्रि के दिन आपको करना है। यह आपकी जीवन को संवार है, आपकी भाग्य बदलेंगे, आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार की दोष समाप्त होंगे। इससे पहले सभी लोगों को गुजारिश करना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त, भगवान भोलेनाथ को सच्चे मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखने के साथ साथ इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आपकी एक शेयर किसी के जिंदगी को संवार सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको ध्यान भरी अच्छी अच्छी जानकारी बताते हैं। एक महाशिवरात्रि के दिन बेल की पत्ती नहाने के पानी में डाल करके स्नान करें। अब ऐसा क्यों करें थोड़ा सा जान लीजिए। तो बेल के पत्ती नहाने के पानी में डाल करके स्नान करते हैं, जो जल आपने नहाने के लिए रखे थे तीर्थ नहीं जा पाते, कोई पवित्र नदी नहीं जा पाते, तो बेल के पत्ती नहाने के पानी में डाल दीजिए। गंगा जल है तो अति उत्तम है, एक दो बूंद गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद इस जल से स्नान कर ले। इसका क्या फायदा मिलेंगे? संपूर्ण तीर्थों का पुण्य मिलते हैं, क्योंकि बेल के पत्ती में, बेल के जड़ में समस्त तीर्थ बसते हैं, तो संपूर्ण तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको आपसे ज्ञानवंत किसी भी प्रकार के पाप हो गए हैं, वह पाप भी मिट जाएंगे, पाप मिटेंगे, दोष मिटेंगे। और माता लक्ष्मी आपसे रोस्ट हो चुके हैं, आपके घर में लक्ष्मी आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, माता लक्ष्मी नहीं आ रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद धन लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। आपकी घर में धन दौलत का तेजी से बढ़ोतरी होगा। और इस उपाय को करने के बाद बेल की पत्ती जल में डाल करके स्नान करते हैं तो शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष तथा बुध दशा, जो शुक्र के दोष है, वह समाप्त होंगे। स्वाभाविक जीवन में जो परेशानी आ रहे हैं वह भी दूर होंगे। यह उपाय करके देखिए, आपको अनगिनत गुप्त फायदे मिलेंगे। चलिए दूसरा उपाय बता दो तो आपको महाशिवरात्रि के दिन करना क्या है। शाम के समय में एक दीपक लेकर जाना है। कौन सी दीपक लेकर जाना है? घी का दीपक लेकर के जाना है, थोड़ा सा काली तिल लेकर जाना है, थोड़ी सी आपको दूध लेकर जाना है और एक रुपए का सिक्का लेकर जाना है। अब इसका प्रयोग बता दो। यह प्रयोग को ध्यान से सुन ले। ये प्रयोग क्या करेंगे? आपके किस्मत की बंद ताले को खुलेंगे। ये प्रयोग क्या करेंगे? माता लक्ष्मी आपसे रोस्ट हो चुकी थी, उसे मनाने का काम करेंगे। ये प्रयोग क्या करेंगे? आपको ज्यादा से ज्यादा धन लाभ कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको धन वैभव प्रदान करेंगे, सभी प्रकार की भौतिक सुख ला करके देंगे। तो जिनको विश्वास हो, जो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, जो भगवान भोलेनाथ से विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति इस उपाय को करें, अन्यथा इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि देवी देवता तूने टोटके के दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। कहां भी जाता है विश्व शम फलदायक, विश्वास से सभी फल मिलते हैं। तो शाम के समय में आपको एक दीपक लेकर के जाना है। कौन सी दीपक लेकर जाना है? घी का दीपक। घी का दीपक ना मिल पाए तो आप कोई भी दीपक लेकर के जा सकते हैं, लेकिन घी का दीपक को हमारे शास्त्रों में उत्तम कहा गया है। दीपक को प्रकाश का स्वरूप कहे जाते हैं और आदिशक्ति प्रकाश की देवी है। तो आपको एक दीपक लेकर के जाना है और बेल वृक्ष के नीचे में एक घी का दीपक जलाना है। इसके बाद आपको, आपने जो दूध लेकर के गए हैं, वह दूध बेल के जड़ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको थोड़ी सी काली तिल चढ़ा देना है और एक का सिक्का वृक्ष को भेंट करना है। अब इसका फायदा सुनिए। इसका यह फायदा होगा, और बेल के वृक्ष को फिर बाद में इसका यह फायदा होगा, घी का दीपक जलाएंगे तो आपके जीवन में जो समस्या है, अंधकार है, परेशानी है, जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या है, उसे यह दूर करने का काम करेंगे। दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है, इसी प्रकार दीपक जलाएंगे तो यह आपकी जीवन की जो अंधकार है, अंधकार के मतलब क्या होता है, समस्या, परेशानी, तकलीफ, उसे दूर करने का काम करती है। काले तिल जो होते हैं, ये भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। काले तिल चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और देखिए,
भोलेनाथ की पूजा में काले तिल की ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होते हैं। काले तिल को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए काले तिल चढ़ाते हैं तो आपकी दुर्भाग्य मिटते हैं। उसके बाद आप दूध चढ़ाते हैं। तो देखिए, दूध चढ़ाने से, क्योंकि दूध को अमृत की सागर कह जाता है, हम सब जब छोटे बच्चे रहते हैं तब माता की स्तन अर्थात दूध को पी करके बड़े होते हैं, तो दूध के कर्ज को सबको निभाना पड़ता है, चाहे वह देवी हो चाहे देवता हो। जब आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तब भगवान भोलेनाथ को भी आपके द्वारा अर्पित किया गया दूध का कर्ज उतारना पड़ता है, तो भगवान इससे आपके बंधन में बंधते हैं, आपके प्रेम के बंधन में, भक्ति के बंधन में बंधते हैं। इसके बाद एक रुपए का सिक्का चढ़ाते हैं, वह कहा जाता है ना कि दिए और दान कभी भंग नहीं तो 1 करोड़ होकर के मिलते हैं। तो 1 रुपए का सिक्का अगर आप चढ़ाते हैं तो वह 1 रुपए आपको करोड़ों रुपए में आगे चल करके प्राप्त होते हैं। तो यह सारी चीज को आपको चढ़ाने के बाद बेल के वृक्ष को स्पर्श करना है, क्योंकि बेल के वृक्ष माता लक्ष्मी के स्वरूप है, माता पार्वती के स्वरूप है, तो समस्त देवी देवता तथा तीर्थों का समान माना जाता है। स्पर्श करके यही प्रार्थना करना है कि आप हमें जो हमारे तकलीफें हैं, जीवन में परेशानी है, समस्याएं हैं, भगवान आप उसे दूर करें। इस प्रकार प्रार्थना करने से माता पार्वती हमारे सारी समस्या को दूर कर देते हैं। यदि कोई विशेष मनोकामना हो वह मनोकामना आप बोल दीजिए, क्योंकि केवल इस दिन, ध्यान से सुने, केवल महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ यह दोनों जागृत रूप में बेल की वृक्ष पर निवास करते हैं। यकीन मानिए, बेल की वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, यह माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ ये बेल की वृक्ष पर वास करते हैं। तो जो भी इस दिन प्रार्थना करके मनोकामना बोलेंगे वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। एक उपाय और बता रहा हूं, जब आप बेल वृक्ष के पत्ते भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं, केवल 2 लेयर वाले हो, 2 पत्ती वाले हो, चाहे 3 लेयर वाले हो, चाहे 4-5 ऐश, जो भी लेयर वाले हो, एक काम करना, आपको चंदन से बेल के 3 पत्र होते हैं तो 3 पत्रों पर राम लिखना है, 5 पत्र हैं तो 5 पत्रों पर राम लिख करके भगवान भोलेनाथ को इच्छा बोल करके चढ़ाई, अगर 108 बेल पत्र चढ़ा दे तो सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी जो देवी देवता है, आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से नहीं रोक पाएंगे। यह जबरदस्त पावरफुल उपाय है, इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। आशा करता हूं यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन में मंगलमय साबित जरूर होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर लाएंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपकी एक शेयर किसी के जीवन को संवार सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।